गाइज आज है 18 जून 2021। आज के इस करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इट्स मी बुशरा। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया गया है? तो 17 जून को। जी हाँ, कॉम्बैक डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैक डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब मनाया गया है? 17 जून को। जो मरुस्थलीय और सूखा हुआ है, उस सूखा है, ये इसके प्रति एक अवेयरनेस, यानी सूखा ना पड़े या सूखी जगहों को भी जरखेज़ जगहों में बदला जाए, मरुस्थलीकरण ना फैले, उसके लिए मनाया जाता है। ये जो मरुस्थलीकरण है उससे किसी तरह यूजेबल बनाया जाए, इसीलिए मनाया जाता है 17 जून को विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस। ठीक है, 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना में। कहाँ? बोत्सवाना। जी हाँ, वर्ल्ड का नंबर 3 यानी 3rd largest डायमंड पाया गया है। कहाँ? बोत्सवाना में। पहला जो है वो है क्लीनन, और दूसरा है वो भी पाया गया बोत्सवाना में, और तीसरा भी पाया गया है बोत्सवाना में। गैब्रॉन कैपिटल है बोत्सवाना की, ठीक है, और पूला करेंसी है, और मसीसी इसके प्रेसिडेंट है। तो तीसरा और दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का हीरा, सेकंड और थर्ड दोनों, थर्ड भी वहीं पाया गया और सेकंड भी वहीं है, और पहला कहाँ है? क्लीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बैंक ऑफ अमेरिका की आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक सभी आईटी कंपनीज अपनी नौकरियों में कितने प्रतिशत तक कटौती करेंगी? तो जितनी भी आईटी कंपनी हैं वो ऑटोमेशन के कारण, आईटी कंपनियां जो हैं वो किसके ऑटोमेशन के कारण 2022 तक अपने जो वैकेंसीज हैं, जो अपनी नौ जॉब्स हैं उनकियाँ, उन जॉब्स में कटौती करेंगी कितने प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत तो छोड़िए, कितने लाख करेंगी वो सुनिए, 30 लाख। सभी आईटी कंपनी 2022 तक ऑटोमेशन के कारण 30 लाख नौकरियों में कटौती करेंगी। इनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, जैसे कि विप्रो है, TCS है, टेक महिंद्रा है, इंफोसिस है, SCL है, वगैरह वगैरह। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं 30 लाख नौकरियों में कटौती कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 15 मीटर लंबा पायरोस्टीरिया लर्जी कॉफी का पौधा कहाँ पाया गया है? तो अभी 15 मीटर लंबा कॉफ़ी का पौधा पायरोस्टीरिया लर्जी पाया गया है, तो ये पाया गया है अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान आइलैंड्स ग्रुप में। ये जो पाया गया है 15 मीटर लंबा है, कॉफ़ी का पौधा है, पायरोस्टीरिया लालजी ये 15 मीटर लंबा है, और IUCL के डाटा के अनुसार ये प्राय लुप्त कॉफ़ी की प्रजाति है जो अभी खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? अंडमान द्वीप समूह में, याद रखना। विकास कह रहे थे कॉफ़ी का पौधे का एक GI टैग बताइए किसको मिला था, बहुत पहले से बता रही हूँ, अरेबिका को मिला, और बहुत सी कॉफ़ी हैं जिनको मिला है, ठीक है। अरेबिका कहाँ पाया जाता है? अरेबिका कहाँ? कर्नाटक में। अब आप बताइए किस सुपारी को, केरल की किस सुपारी को GI टैग मिल चुका है? आप बताएंगे, ठीक है। और अभी कॉफ़ी का क्वेश्चन लिया तो मुझे याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 14वीं या 16वीं सदी के 21 तांबे के शिलालेख किस राज्य में अभी खोजे गए हैं? तो 14वीं या 16वीं
सदी के ताम्र यानी तांबे के शिलालेख प्लेट शिलालेख हैं, तांबे की प्लेट शिलालेख खोजे गए हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो वो 14वीं सदी के हैं या वो 16वीं सदी के हैं। अब इन पर रिसर्च वर्क शुरू होगा। आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं, क्या है ये, तांबे के प्लेट शिलालेख, तांबे के प्लेट शिलालेख आंध्र प्रदेश में। नवरनालू पेदलांध्र की कार्यक्रम और मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन हैंड वॉश के लिए स्लम एरिया में, और जगन्ना विद्या दीवीना योजना, ये सब आंध्र प्रदेश में शुरू होते। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर वन भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला राज्य, तीन राजधानियों वाला कुर्नूल जुडिशियल, अमरावती लेजिस्लेटिव और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव वाला राज्य, ये टी और कोलेरू पोलिकट झीलें, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क, जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर और विश्वभूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में गुलखम जाथुम गंगटे को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो गुलखम जाथुम गंगटे ये बने हैं किसमें, ट्यूनिशिया में भारत के राजदूत, ट्यूनिशिया में भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रेस टाइम टू अगेंस्ट स्मार्टर रिपोर्ट अभी किसने पेश की है, ये जारी की है तो यूनेस्को ने, रेस टाइम अगेंस्ट टू स्मार्टर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, बस मैंने ले ही लिया है क्वेश्चन, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनेस्को ने इसको पेश किया है, यूनेस्को ने जारी किया है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और रोजुले हेड है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, और 1966 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है, तो केरल ने, केरल उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे सेमी रेलवे परियोजना, क्या नाम है इस परियोजना का, सेमी रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन, कौन सी है, सिल्वर लाइन, इसको अभी एग्री किया है, इसको परमिशन दे दी है, इसको मंजूरी दे दी है, इस प्रोजेक्ट को, सेमी रेलवे प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन है इसका नाम, केरल ने, केरल कर्नाटका झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु क्या है, हाथी। केरल की बात करूं तो SDG नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इस साल भी केरल टॉप पे है उसमें, और लास्ट ईयर भी केरल ही टॉप पे था। ठीक है, केरल की बात करूं, आयु रक्षा क्लिनिक, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, के फोन प्रोजेक्ट, और कौन कौन सा, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, तो ये सभी जो है, और कर्मी वोट, कर्मी COVID-19 पेशेंट की सर्विस देने के लिए कर्मी वोट, ये सब शुरू हुए केरल में। कुटुंबश्री होटल शुरू हुए केरल में, और केरल की बात करूं, कनाईमुडी शोला, अरबिकोलम शोला, पेरियार नेशनल पार्क, पमडम शोला और मध्य केकटक शोला, ये सब जो है नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली ये भी केरल में है। ठीक है, याद रखना, गवर्नर ने इसके जो आरिफ मोहम्मद खान है, उन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की, और पिनरई विजयन ये फिर से प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, केरल के दिसपुर कैपिटल है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी व्यापारिक व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रैब अप प्रोग्राम शुरू किया है, तो तेलंगाना ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रोग्राम, अपनी व्यावसायिक और जो व्यापारिक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम रैब अप शुरू किया है, किसने, तेलंगाना ने। कानुमा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में, कौन सा, कानुमा, यहाँ की जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदराजन, वो जो है पुंडिचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं, ते हैदराबाद कैपिटल है, कासुब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मृगावाड़ी ये भी नेशनल पार्क है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है ना, और महावीर
महावीर हरिणा वनस्थली, ये भी नेशनल पार्क है। और कौन कौन से हो गए, कासुब्रह्मण्य रेड्डी अमराबाद, कंवल टाइगर रिजर्व भी है, ये पांच हो याद रखिएगा। ठीक, तो ये बात है। और हैदराबाद कैपिटल है जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है। ठीक, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश का शेंजो अंतरिक्ष, शेंजो अंतरिक्षयान लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से किस रेगिस्तान में उड़ान भरेगा? तो ये पहले तो किस देश का है, तो शेंजो, शेंजो वे कहते हैं ये शेंजो, ठीक है, तो शेंजो भी कहते हैं, शेंजो वे ये शेंजो, ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से अभी ये अंतरिक्षयान है, किस देश का है, लॉन्ग मार्च 5 के नाम से जाने गए होंगे, चाइना का है। तो शेंजो अंतरिक्षयान ये चाइना का है और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से ये उड़ान भरेगा गोबी डेजर्ट में, गोबी रेगिस्तान में। और ये मंगोलिया चीन में फैले हुए हैं, गोबी रेगिस्तान, कौन से, गोबी रेगिस्तान, ये बात आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा आपको, मुझे यकीन है। अच्छा, एक चीज़ और, हाल ही में अभी किस देश ने सिंगल डोज जॉनसन एंड जॉनसन, सिंगल डोज बेस्ड जॉनसन एंड जॉनसन टीके को अधिकृत किया है? तो बांग्लादेश ने किया है सिंगल डोज बेस्ड जॉनसन एंड जॉनसन टीके को अधिकृत। बांग्लादेशी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, और इमरजेंसी यूज़ के लिए, ये आपातकालीन उपयोग के लिए किया है। और ढाका टका तो हो गया जी, और शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर, यहाँ का जो BCB है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसने खिलाड़ियों की मेंटल पीस और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बांग्लादेश की सरकार ने निर्देश दिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, मतलब इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक डिजिटल हार्ट बना जिससे कि जो बलि देने वाले पशु हैं उनकी बिक्री की जा सके ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टाइकोमोंडो एथलीट प्लेयर कौन बनी है? तो पहली भारतीय ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली टाइकोमोंडो एथलीट प्लेयर कौन बनी है? तो अरुणा तमन, कौन है, अरुणा तमन, ये भिवानी हरियाणा की हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस किकी वर्टेंस ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? क्या कर दी है, संन्यास की घोषणा, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो टेनिस से संबंधित, ये डच प्लेयर हैं और टेनिस से रिलेटेड हैं, किकी वर्टेंस, और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस IIT ने की है? तो IIT बॉम्बे ने। हमारे भारत की जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, नितिन गडकरी, उन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया है। और ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, ब्रिक्स यानी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, इसी की मेज़बानी की IIT बॉम्बे ने। ठीक है, ब्रिक्स ब्राज़ील इंडिया चाइना, ये 2006 में बना था, साउथ अफ्रीका 2010 में जोड़ा था, याद रखना। क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, हाल ही में अभी कौन से दो देश हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए तैयार हुए हैं या रजामंद हुए हैं? तो यूएसए और रशिया में इस कदर विवाद हो गया था कि दोनों ने अपनी अपनी राजधानियों यानी कैपिटल से राजदूतों को भी वापस कर लिया था। लेकिन अब अमेरिका में रशिया के राजदूत और रशिया में अमेरिका के राजदूत
भेजने पर दोनों एग्री भी हो गए हैं और हथियार नियंत्रण वार्ता पर दोनों बात यानी हथियार नियंत्रण वार्ता हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए दोनों अमेरिका और रूस तैयार भी हो गए हैं। ये था आज का सेशन। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है रोज़ाना, और इसको ज़रा सा पूरा कराने में अपने चैनल को हेल्प भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।